आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी अपने अपने घरों में पूरे तरीके से कैद हो चुके हैं इस लॉकडाउन के चलते, और COVID-19 जैसा कि पूरे देश में फैल चुका है, और इसको और बचाने के लिए हम सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं। इसी के चलते हमारे देश में IRCTC ने ऐसे कुछ बहुत सारे चेंजेस किए हैं जिससे हमें आपको रूबरू कराना है कि सच में अगर आपको नीड हो ट्रैवलिंग की तो आप अपने अपने घर जा सकें और ये ट्रैवलिंग को कंप्लीट कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको IRCTC के कुछ चेंजेस के बारे में बताने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि 12 मई 2020 यानी कि 12 मई 2020 से जितने भी स्पेशल जैसे कि राजधानी ट्रेन है, सिर्फ राजधानी ट्रेन को ही परमिशन दी गई है कि वो अपने रूट पर रन कर सके। पर इसमें बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी कंडीशंस के साथ इसको परमिशन दी गई है, और वो क्या परमिशन है वो मैं आपको अब बताता हूँ कि पूरे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 15 यानी कि 15 रूट पर ये राजधानी ट्रेन रन करेगी। और जो नॉर्मल जो राजधानी ट्रेन्स के जो स्टॉपेज होते हैं उस स्टॉपेज पर ट्रेन नॉर्मली रुकती है, पर इस टाइम लॉकडाउन के टाइम जो भी राजधानी ट्रेन अपनी रूट पे रन करेगी और जो उसके स्टॉपेज होंगे उस स्टॉपेज को कम कर दिया गया है पहले से। जैसा कि मैं आप सभी को एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ, जैसे कि कोई नॉर्मल ट्रेन एक राजधानी ट्रेन है जो कि न्यू दिल्ली से बन के चलती है और जम्मू तवी को जानती है, तो इस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो है लुधियाना, पठानकोट कैंट और कठुआ। तो इसके बेसिकली 3 स्टॉपेज हैं, पर जब ये ट्रेन लॉकडाउन में रन करेगी तो इस ट्रेन के सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉपेज होंगे और वो होगा सिर्फ और सिर्फ लुधियाना। तो इस तरीके से जितनी भी सारी राजधानी ट्रेन न्यू दिल्ली से रन करेंगी उन सारे के जो स्टॉपेज हैं उसे कम कर दिए गए हैं। कम करने का जो रीज़न है, कारण है, वो सिर्फ और सिर्फ एक है कि लोग कम से कम घर के बाहर निकलें, ज़्यादातर लोग घर में ही रहें, और कोई को भी अगर बहुत इम्पॉर्टेंट काम हो तो ही घर से बाहर निकले, अदरवाइज़ वो घर पर ही रहें। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ट्रेनें हैं जो राजधानी ट्रेन्स हैं वो सिर्फ राजधानी ट्रेन रन करेंगी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। जी हाँ दोस्तों, सारी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही रन करेंगी। जैसे कुछ राजधानी ट्रेन है जो कि निज़ामुद्दीन से भी चलती है, पर वो ट्रेन भी इस टाइम चलेगी सिर्फ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। इसका जो रीज़न है चलने का सिर्फ और सिर्फ न्यू दिल्ली से, उसका रीज़न बेसिकली ये है कि जितने भी सारे पैसेंजर हैं वो एक ही जगह से जाएं, क्योंकि जितने भी सारे पैसेंजर हैं वो ट्रेन में जब बोर्डिंग करेंगे तो बोर्डिंग से पहले उनकी स्क्रीनिंग होगी, तो वो प्रॉपर स्क्रीनिंग एक ही जगह पर हो सके और लोग कम से कम जगह पर जाएं। इसको बचाने के लिए IRCTC ने ऐसा कदम उठाया कि जितने भी सारी ट्रेनें हैं वो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही रन करेंगी। और इसी के बाद मैं आपको अगर एक्सपेंस की बात करूं तो लॉकडाउन के अंतर्गत आप अगर राजधानी में ट्रैवल करते हैं तो जो आपके एक्सपेंस यानी कि जो खर्च आएंगे टिकट के वो आपको काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं। IRCTC ने ऐसा इसलिए किया है जिसके चलते कम से कम लोग ट्रैवलिंग करें, आधे से सब लोग अपने अपने घरों पर ही रहें, जिससे कि हम इस कोरोना जैसी बीमारी से जंग जीत सकें। अगर वाकई में आपको ज़रूरत है बाहर निकलने की, अपने घर जाने की, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट वर्कर बहुत सारे लोग हैं जो अपने घर के बाहर हैं और लॉकडाउन की वजह से वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं, पर इस टाइम उन्हें एक चांस एक मौका मिला है IRCTC की तरफ से जिसके माध्यम से वो ट्रैवलिंग को कंप्लीट कर सकते हैं और अपने घर तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं। पर इसके चलते मैं आपको बता दूं कि जो इस ट्रेन की जो बुकिंग होगी
वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन होगी। ऐसे बहुत सारे फेक न्यूज़ आ रहे हैं कि आपको रेलवे स्टेशन जाके ट्रेन की बुकिंग करनी पड़ेगी। जितनी भी सारी स्पेशल ट्रेनें हैं जो कि रन कर रही हैं, न्यू दिल्ली से चल रही हैं, सारे के सारे ट्रेन के बारे में बताना तो पॉसिबल नहीं है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जिसके ज़रिए आप वहां पे जाके आप सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कौन कौन सी ट्रेन न्यू दिल्ली से किस किस 15 रूट पे कौन कौन सा जगह जाएगी। अगर आपको वाईकाई में ट्रैवलिंग की नीड है तो आप ऑनलाइन टिकट बुक करके आप जा सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन IRCTC ने जो चेंजेस किए हैं हमारे इंडिया में उसके बारे में। आई होप आपको ये पसंद आई हो, और वाकई में अगर आपको ज़रूरत है बाहर निकलने की तो ही निकले, अदरवाइज आप अपने घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें। मिलेंगे दूसरे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।